तो पहला 100 पीस का जो ऑर्डर है वो मेरे पास आ चुका है मेरा सप्लायर से। i7 4th जनरेशन का जो बिल्ड है उसका साथ आपको कॉर्सियर का रैम मिलेगा 4 GB का, साथ में जेब्रोनिक्स का 81 मदरबोर्ड मिलेगा, एकदम नया कॉर्सियर कंपनी का है, देख सकते हैं। ये जो रैम है ये DDR3 है, 4 GB कॉर्सियर का ये भी मिल रहा है, साथ में आपको मिलेगा जेब्रोनिक्स का 81 मदरबोर्ड का साथ आपको मिलेगा पुराना कीबोर्ड माउस और आपका जो है कैबिनेट और SMPS। तो ये कम्प्लीटली फास्ट एंड बिल्ड नहीं है, लेकिन मदरबोर्ड एकदम नया है जिसमें आपको 1 साल का वारंटी मिलेगा, रैम पे आपको 1 साल का वारंटी मिलेगा, साथ में प्रोसेसर में आपको 1 साल का वारंटी मिलेगा। बहुत ही अच्छा है, 10,000 रुपये में ये हम लोगों के पास i7 PC Build पहला 100 पीस ऑर्डर अवेलेबल है। वीडियो का लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरह का स्टॉक अवेलेबल होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि सभी कोई PC खरीद पाए। मैं फटाफट जो है इसको असेंबल कर लेता हूँ, देख सकते हैं एकदम नया मदरबोर्ड है, फ्रेश कंडीशन पे है, और इसमें जो प्रोसेसर है वो i7 4th जनरेशन का प्रोसेसर है। आपको मैं एक और बार दिखा देता हूँ, वीडियो में देख लीजिएगा अच्छे से, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। तो बहुत ही मस्त क्वालिटी का ये है, इसके साथ इंटेल का पुराना स्टॉक फ़ैन भी मिल रहा है, इंटेल का ओरिजिनल फ़ैन है ये। तो 10,000 रुपये में ये जो है i7 का बिल्ड है जिसमें मदरबोर्ड और प्रोसेसर और रैम में 1 साल का वारंटी है, तो बहुत ही मस्त है, देख सकते हैं i7 4th जनरेशन का प्रोसेसर है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट को खरीदना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि स्टॉक अवेलेबल होते ही आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि मेरा लोकल कस्टमर और बाहर का कस्टमर दोनों ही सेम है, तो लोकल कस्टमर स्टोर पे आके ऐसा कभी मत कीजिएगा कि सर मैं लोकल हूँ मुझे दिलवा दीजिए, मैं आपका स्टॉक स्टोर आ चुका हूँ आपके पास स्टॉक में देख पा रहा हूँ फिर भी आप नहीं दे रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरा बाहर का ऑर्डर जो है वो भी मेरे पास पेंडिंग रहता है, मेरे को उसी के लिए भी स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। अब ऊपर से अगर आप लोग स्टोर पे आके बोलेंगे कि भाई तुम्हारा पास स्टॉक अवेलेबल है तो फिर मेरा बाहर के कस्टमर को नहीं मिल पाएगा, मेरे पास सभी कस्टमर समान है, कोई कस्टमर अलग नहीं है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। तो फटाफट जो है मैं सब कुछ लगा के इसको पैक कर लेता हूँ, और अगर आपको इस बार भी ना मिल पाए 100 स्टॉक, मेरे को पता नहीं कितना टाइम तक रहेगा, फिर भी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि स्टॉक मिलते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, और उस नोटिफिकेशन का थ्रू जो है आप हम लोगों से आराम से ऑर्डर कर पाएँ। तो मैं यहाँ पर रैम को इंसर्ट कर लेता हूँ, रैम को इंसर्ट करने के बाद इसको साइड पर रख के बाकी का प्रोसेस को कम्प्लीट कर लेता हूँ, कैबिनेट पर जो है इसका केस को भी लगा देता हूँ। ऑर्डर करने के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप उसमें फ़ोन करके ऑर्डर कर सकते हैं, हम लोगों के पास से COD और आपका प्रीपेड दोनों पार्सल ही हो जाता है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा डेट टाइम को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 100 पीस का स्टॉक अवेलेबल है तो कितना टाइम तक रहेगा वो मेरे को खुद भी नहीं पता, थोड़ा ज़्यादा ही हड़बड़ी में मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं एक चीज़ चेक करूँगा कि इसका कैबिनेट पे जो है सारे स्क्रूज़ का पॉइंट मैच हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये कैबिनेट जो है पुराना कैबिनेट है। तो फटाफट जो है मैं इसका पीछे का जो सील्ड है सील्ड को लगा लेता हूँ। आपने देख लिया कि उसको मैंने पूरा एकदम नया कंडीशन पर था, पूरा पैक्ड था, तो मदरबोर्ड आपको एकदम नया मिलेगा 10,000 रुपये में। ये बिल्ड हम लोगों के पास अवेलेबल है, डे टू डे बेसिक गेमिंग आप इसमें कर सकते हैं, साथ में वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और अदर्स काम कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, और एकदम रियल कैसे PC बिल्ड किया जाता है उसी का वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। YouTube में बहुत सारा चैनल मिल जाएगा जो आपको PC बिल्ड का वीडियो दिखाता है, लेकिन असल में एग्जैक्ट कैसे किया जाता है वो कोई नहीं दिखाता है। आप लोगों के पास जितना टूल्स अवेलेबल हो सकता है मैं उतने टूल्स में इसको बनाने का हमेशा कोशिश करता हूँ, एक स्क्रू ड्राइवर में ही मैं पूरा PC बिल्ड करने का कोशिश करता हूँ, ताकि मेरा कोई भी कस्टमर एक छोटी सी स्क्रू ड्राइवर की मदद से आराम से काम कर पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए। पहला 100 पीस का स्टॉक अवेलेबल है, जो पहले कॉल करेगा 1 क्लिक में उनको बुकिंग मिल सकता है, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं। पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आप लोग जो है कॉल करने के लिए चला जाते, वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए अगर कोई भी सोच रहा है कि भाई मैं आराम से जो है मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट स्टॉक कभी भी अवेलेबल हो सकता है तो आप लोगों को मिल सके। और मेरा एक दोस्त ने बोला था कि भाई आप बंगाली हैं तो बंगाली में वीडियो बनाइए, तो फिर मैं भी कोशिश करूँगा अपना एक बंगाली चैनल क्रिएट कर देने के लिए, जिसमें जो है जितना भी मेरा बंगाली व्यूअर्स है उनके लिए
मैं गिवअवे से लेके सब कुछ रखूँगा, लेकिन अभी तो मेरे पास उतना टाइम है नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक मोलेक्स कनेक्टर टूटा हुआ है, तो हम इसको जो है आराम से लगा सकते हैं। देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा आप लोगों को भी काम आ सकता है कि अगर आपको कोई भी पुराना फ़ैन निकाल के लगाना हो कहीं से, या फिर पुराना SMPS का फ़ैन अगर आप उसको कैबिनेट पे असेंबल कर रहे हैं, तो आपको इस तरह का दो तार मिल जाएगा। तो देख सकते हैं पुराना कैबिनेट ही है। तो मैं यहाँ पे जो है रेड वाले को जो है येलो पिन पे डाल दूंगा, और ब्लैक वाले को जो है ब्लैक में डाल दूंगा, और इसको थोड़ा सा टेप से सिक्योर कर दूंगा, और फ़ैन घूमना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको असेंबल करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाए कि इस तरह का कुछ स्टॉक अवेलेबल हुआ है कि नहीं। मैं लगा देता हूँ, और पुराना डेस्कटॉप का स्टॉक लेके मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को पुराना डेस्कटॉप चाहिए, वो भी 15 दिन का वारंटी का साथ आपको मिलेगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने सिस्टम को जो है अपना टेस्ट बेंच पे लेके आ चुका हूँ। कस्टमर का कैबिनेट जो है ये पुराना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फ्रंट USB वगैरह सभी काम करता है। मैंने सभी कनेक्टर लगा दिया, पावर स्विच, रिसेट स्विच सभी मैंने चेक कर लिया हूँ। तो फटाफट जो है मैं इसको एक बार ऑन करके देखता हूँ कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं। देख सकते हैं मैंने जो है इसका SMPS का पावर कॉर्ड लगा चुका हूँ। ऑन करने के बाद 15-20 मिनट का टेस्टिंग करके फिर मैं कस्टमर को प्रोडक्ट देता हूँ। तो ऐसा कोई बात नहीं, और जो नया प्रोडक्ट आपको इसके साथ मिल रहा है उसको आप ऑल ओवर इंडिया में कोई भी सर्विस सेंटर में जाके सर्विस वारंटी क्लेम करा सकते हैं। देखिए मैंने इसको ऑन किया, फ़ैन बराबर घूमने लग गया। जो जोगार का फ़ैन मैंने लगाया वो भी अच्छे से घूम रहा है, और यहाँ पर मेरा स्क्रीन पर अगर आप देख पाएँ तो बहुत अच्छा, देखिए ज़ेब्रोनिक्स का लोगो आ गया है, और एकदम जो है मस्त तरह से डिस्प्ले आ गया है, देख सकते हैं।